और मैं शुक्रगुजार हूं अपने नेता राहुल गांधी की, जिन्होंने संविधान की वो प्रति जो चुनाव प्रचार में उठाई थी उसको हर हाथ, हर घर, हर भारतीय के यहां पहुंचा दिया। आ रहा हूं सुप्रिया जी, संविधान की तस्वीर उन लोग, अरे भाई अब आप बोल चुकी है, मैंने तो आपको अपने टर्न में भी बोलने दिया, आप कम से कम अब हमें बोलने का मौका दीजिए। सुप्रिया जी ने कहा कि आज की तस्वीर बहुत अलग नजर आ रही थी, बिल्कुल ये बहुत अलग तस्वीर नजर आ रही थी। वो लोग हाथ में संविधान लेके खड़े थे जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी, उन लोगों के हाथ में संविधान है जिन्होंने, जिनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नारा दिया था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, विदेशी मेहमानों से वो मिलते थे बड़े बड़े। अरे आप तो बोल चुकी है, अभी तो मैं बोल रहा था, अरे संविधान, अरे सुनिए राज के नाम संदेश नहीं, आप इतनी देर से बोल रही थी, मैं शांति सुन रहा था, और सुनिए क्रेडिबल फैक्ट पे डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, लेट मी कंप्लीट माय सबमिशन। बहुत बड़ा मैसेज, 400 पार करने वाले लोगों को जनता ने 240 पर रोक कर दे दिया। देखिए जैसा अपेक्षित था, तो सुप्रिया जी ने संविधान वाले विषय पे कोई जवाब नहीं, विषय के कार्यकारी पे आगे मैंने सिर्फ इमरजेंसी का मुद्दा नहीं उठाया, इनके पास उसका जवाब नहीं है, क्योंकि संविधान को तार तार करना सदैव इनका काम रहा है। जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट होने वाली है बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में गाली वाली बाई की आज डिबेट में बड़ी अच्छी तरीके से क्लास लगने वाली है, क्योंकि गाली वाली बाई संविधान की कॉपी लेकर डिबेट में आई और सोचा कि सुधांशु त्रिवेदी को डिबेट में गेल लगी, लेकिन वहीं पर आज सुधांशु त्रिवेदी ने इसको ऐसे तर्क के साथ धोया कि गाली वाली बाई डिबेट में बोगलाने लगी। तो आज की ये वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, तो आप ये प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमें एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इस देश के सबसे पवित्र ग्रंथ, इस सबसे पवित्र किताब संविधान को हाथ में लेकर, संविधान को आज का दिन साक्षी मानकर अगर हम सदन में अंदर जा रहे हैं, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? क्या अद्भुत नजारा था, मुझे तो अद्भुत लगा, और मुझे लगता है बीजेपी को भी यह करना चाहिए। ये वो संविधान है जो हमें हमारे पूर्वजों ने, जो हमें हमारे इस देश के आजादी के मतवालों ने दिया। बड़ी शहादतें हुई इसके लिए, बड़ी कुर्बानियां दी गई, ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवाकर इस देश से अलविदा कहा गया, और तब ये इतना अद्भुत हमें संविधान मिला। मुझे तो लगता है कितना अद्भुत नजारा था ये, एक के बाद एक सांसद, एक के बाद एक पार्टी संविधान को हाथ में लेकर चल रही थी, इससे अच्छा और क्या हो सकता था। और मैं शुक्रगुजार हूं अपने नेता राहुल गांधी की, जिन्होंने संविधान की वो प्रति जो चुनाव प्रचार में उठाई थी उसको हर हाथ, हर घर, हर भारतीय के यहां पहुंचा दिया। मुझे लगता है, मुझे बड़ा फक्र है इस बात का कि आज संविधान हर जगह दिख रहा था, हर ओर दिख रहा था। ये देश इसी संविधान से चलेगा, ये मैसेज विपक्ष, ये मैसेज सत्ता पक्ष मिलकर देना चाहिए, इसमें किसको क्या आपत्ति हो सकती है। मुझे लगता है ये बहुत गहन मुद्दे हैं। मुझे दुख हुआ ये देखकर कि जब धर्मेंद्र प्रधान जी शपथ लेने जा रहे थे तो लोग नीट नीट कह रहे थे। सोचिए, नीट का साया हमें सदन में दिखा, लेकिन दिखना जरूरी है क्योंकि सदन में लोगों की बात होनी चाहिए। तो अच्छा, आपने बता दिया कि कैसे जब धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने जा रहे थे तब वहां पर नीट नीट के नारे गूंजे, अमित शाह जब शपथ लेने जा रहे थे तब वहां पर बाकायदा संविधान की प्रतियां दिखाई गई, है ना। अच्छा, पीठासीन अधिकारियों का जो पैनल था उसमें से विपक्ष ने जो उसके सांसदों के नाम थे वो वापस ले लिए। ये वो तमाम मुद्दे मैं गिना रही हूँ जिनसे एक तस्वीर उभरी कि साहब एक टकराव की स्थिति बनी हुई है। आपने जो बात कही उसी का जवाब जरा जल्दी से सुधांशु जी से लेते हुए कि सर ये शिक्षा की इमरजेंसी जिसका जिक्र अभी सुप्रिया जी ने की, और साथ ही साथ मैं मारी हूं, और साथ ही ये संविधान की प्रतियां जो विपक्ष की तरफ से दिखाई गई उसी के काट के तौर पर, उसी के काट के तौर पर क्या इमरजेंसी और 50 साल का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। गलत रख रही हैं आप, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। ये क्या तरीका है डिबेट करने? सुधांशु जी बोलिए बोलिए बोल लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान जी के पर अगर नीट सुनाई दिया तो ये अच्छी बात थी, ये देश के लोगों का मुद्दा है। अगर संविधान की प्रति अमित शाह जी को दिखाई गई तो उनको याद रहना चाहिए कि इस संविधान के इतर उतर दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है, इसमें क्या गलत है? अरे रुको जरा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अभी अभी वो सिर्फ शपथ लेने के लिए आ रहे थे, और अभी सदन में हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम मुद्दों को लेकर स्वस्थ संवाद और बहस होगा, और तब चर्चा में अगर ये तमाम मुद्दे आते और आज जो शुभारंभ हो रहा था शपथ वाला वो सुचारू रूप से चल जाता तो एक अच्छी तस्वीर और एक मिसाल पेश होती। खैर, आइए सुधांशु जी जवाब दीजिए। हाँ, अब सुप्रिया जी ने जो बात कही यही मैं कहना चाहता हूँ, आज गजब नजारा था। गजब की बात कर दी आपने। अरे भाई अब आप बोलने दीजिए, आपको तो ठीक है। सुप्रिया जी, अब सुधांशु जी को सुन लेते हैं प्लीज। आइए सुधांशु जी। अरे हाँ, अब मैं जवाब दे लो। नहीं रोमाना जी, आप हाँ, मैं बता रहा हूँ सुप्रिया जी, संविधान की तस्वीर उन लोग, अरे भाई अब आप बोल चुकी है, मैंने तो आपको अपने टर्न में भी बोलने दिया, आप कम से कम अब हमें बोलने का मौका दीजिए। देखिए सुप्रिया जी ने कहा कि आज की तस्वीर बहुत अलग नजर आ रही थी, बिल्कुल ये बहुत अलग तस्वीर नजर आ रही थी। वो लोग हाथ में संविधान लेके खड़े थे जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी,
इसी 25 जून को इस देश में वो स्थिति बनी थी कि सारा विपक्ष जेल में था, वो तो छोड़िए, नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, पुलिस आकर आपको जेल में डाल देगी और आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। यही संविधान उन लोगों के हाथ में जब दिखता है तो यह बहुत दुखद और विडंबनापूर्ण लगता है। और इतना ही नहीं था, अगर कोई बस स्टैंड पे खड़े होकर भी कह दे कि इंदिरा गांधी की सरकार बदलनी है तो DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत उसको अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जा सकता है। यह वो सरकार थी जिसने वो स्थिति उत्पन्न की थी जिसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर जज ने यह कहा कि आप क्या कह रहे हैं कि सरकार किसी को गिरफ्तार कर लेगी तो हम देखते रहेंगे, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा मिलॉर्ड अगर सरकार किसी को अगर पुलिस गोली भी मार देगी तो आप देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये उन लोगों के हाथ में संविधान है जिन्होंने जिनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नारा दिया था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। ये देवकांत बरुआ का नारा था जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिसके लिए आज तक माफी नहीं मांगी। और मैं युवा पीढ़ी को याद दिलाना चाहता हूं 42वां संविधान संशोधन जानते क्या था, 40 आर्टिकल बदले गए थे, 40 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए थे, 2 चैप्टर नए जोड़ दिए गए थे। और संविधान की उद्देशिका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था वो बदल दिया गया था। उनके हाथ में जब संविधान दिखता है तो बहुत दुखद लगता है। और लेटेस्ट गवर्नमेंट में देख लीजिए, संविधान के अनुसार इस देश की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है, यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई थी, वो संविधान का मखौल नहीं था क्या? ठीक है, जिसको सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक था वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन की फोटो में बड़ी बड़ी लगती थी, विदेशी मेहमानों से वो मिलते थे बड़े बड़े। अरे आप तो बोल चुकी हैं, अभी तो मैं बोल रहा था। अरे भाई सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, अब मैं बताना चाहता हूँ। आप बोल चुके हैं भाई, वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाकर संविधान का माहौल किसने उड़ाया था और संविधान, अरे सुनिए राज के नाम संदेश नहीं, आप इतनी देर से बोल रहे थे, मैं शांति सुन रहा था। और सुनिए कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव पारित प्रस्ताव को, अरे चिल्लाइए, मैंने तो आपको अपने बोलने दिया, अब अनकंफर्टेबल फैक्ट पे डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, लेट मी कंप्लीट माय सबमिशन। अरे सुनिए, कैबिनेट के द्वारा पारित प्रस्ताव को जब एक सांसद आके चिन्ह चिन्ह यू फाड़ के फेंक देता था, वो लोग आके संविधान के चिन्ह चिन्ह करने वाले लोग आकर जब संविधान की बात दिखाते हैं तो पंचतंत्र में जो कहानी है ना कि सगाल प्रवचन दे रहा है, यानी उसे शब्दशा न लिया जाए कि सियार प्रवचन दे रहा है ऐसा लगता है, वो देखकर याद आता है। इसलिए ऐसे लोगों के हाथ में जब संविधान की बात आती है तो इनके चेहरे के नकाब उभर के सामने आ जाते हैं। इनका अतीत 1975 का हो या 2014 का हो, सबके सामने तो संविधान क्या बात है जी, मतलब चुनाव तो खत्म हो गया, अब जब संविधान पर बात होगी तो फिर बीजेपी तैयार है संविधान के मुद्दे पर ही पलटवार करने के लिए, और एक के बाद एक वो अलग अलग आपको इवेंट्स याद दिला रहे हैं, उसके जरिए वो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। और कल तो 25 जून है, वो बाकायदा इमरजेंसी की बरसी पर देश भर में कार्यक्रम करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो क्या लग रहा है, कहीं संविधान वाला मुद्दा उल्टे कांग्रेस के गले की हड्डी तो नहीं बनने वाला है? इस देश का संविधान कभी किसी के गले की हड्डी नहीं बन सकता है। इमरजेंसी वाला मुद्दा, संविधान इस देश का सबसे इमरजेंसी वाला मुद्दा वो ग्रंथ है। एक मिनट बोलने दीजिए मुझे, बीच में मत बोलिए, आप बोल चुकी, अब मैं बोलूं जी, थैंक यू। इस देश का संविधान कभी किसी के गले की हड्डी नहीं बन सकता, जैसा कि आपने कहा। इस देश का संविधान इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, इस देश की आत्मा है, और उसी संविधान से यह देश चलेगा। यह बहुत बड़ा मैसेज 400 पार करने वाले लोगों को जनता ने 240 पर रोक कर दे दिया है। नीट का पेपर लीक होता है, धांधली होती है, बीजेपी कुछ नहीं कर पाई अभी तक, अनिश्चितता बनी हुई है। उसके बाद नेट का पेपर लीक हो गया, सीएसआईआर का पेपर स्थगित कर दिया गया, नीट पीजी 12 घंटे पहले स्थगित हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेलवे तबाह कर दिया है इंडियन रेलवे को। बालासोर का कांड हुआ था, एक साल बाद इसी महीने जून में फिर से कांड हो जाता है जलपाईगुड़ी में। क्या कर रहे हैं पता नहीं, रील बनाने में मस्त है रेल मंत्री। ये विपक्ष के हाथ में संविधान है, लेकिन एक के बाद एक ये मुद्दे जो यहाँ पर सुप्रिया सुनेत गिना रही हैं, विपक्ष लोगों का ध्यान इन ओर खींचना चाहता है, तो फिर इमरजेंसी वाले जवाब से क्या सारे जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दे दिए जाएंगे? सुधांशु जी, जैसी अपेक्षा थी सुप्रिया जी के पास संविधान से जुड़े किसी भी मुद्दे के, हो सकता है बाकियों की तरह कर दिया। अरे भाई अब काफी हो गया भाई, आइए आइए सुधांशु जी जवाब। अच्छा सुनिए, अब देखिए जैसा अपेक्षित था तो सुप्रिया जी ने संविधान वाले विषय पे कोई जवाब नहीं था तो विषय होकर कार्यकारी पे आगे। मैंने सिर्फ इमरजेंसी का मुद्दा नहीं उठाया, मैंने तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल अनकॉन्स्टिट्यूशन थी उसका मुद्दा उठाया। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन के रूप में अनकॉन्स्टिट्यूशन तरीके से सोनिया जी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यूज किया और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इस्तीफा देना पड़ा, मैंने उसका मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने जिस ढंग से कैबिनेट का वो प्रस्ताव फाड़ा उसका मैंने मुद्दा उठाया। तो मैंने तो इमरजेंसी से लेकर आज तक बहुत सारी बातें गिनाई है, ऐसी बात नहीं है कि हवा में, परंतु मुझे पता था कि इनके पास उसका जवाब नहीं है, चूंकि संविधान को तार तार करना सदैव इनका काम। और आज मैं कहना चाहता हूं, अब तो चुनाव समाप्त हो गए, अब तो कम से कम जहां सत्ता में वहां करके दिखाइए ना। आपने कहा था 5 तारीख के बाद 8,500 रुपया महीना खटाखट देंगे, दीजिए ना, कौन रोक रहा है?
चलो राज्य में सरकारें हैं, 8.5 नहीं 6,000 रुपए देना शुरू कर दो। चलो आप कहेंगे पैसे की कमी है राज्य सरकारों में, इसका मतलब पहले तो स्पष्ट हो जाता है कि आपने हवा में बोला था। चलिए जिन चीजों में पैसे की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान बहुत कहा था बिहार को लेकर, देखो भैया मैंने कह दिया था नीतीश कुमार से कि जातिगत जनगणना तो करानी पड़ेगी, जो जातिगत सर्वे था वास्तविकता में। अब मैं पूछना चाहता हूं हिमाचल में क्यों नहीं सर्वे करवा रहे हो भाई, क्यों नहीं तेलंगाना में सर्वे करवा रहे हैं, क्यों नहीं पंजाब में सर्वे हो रहा है, क्यों नहीं दिल्ली में सर्वे हो रहा है, क्यों नहीं बंगाल में सर्वे हो रहा है, और कर्नाटक में तो सर्वे हुआ रखा है, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। इससे साफ हो जाता है ये कुछ करते भी नहीं थे, किया भी नहीं था, कर भी नहीं रहे, करेंगे भी नहीं, संविधान के नाम पर धोखा दे रहे हैं। और इसलिए संविधान का यूज करने वालों का, और एक बात मैं कह दूं, सर्वोच्च न्यायालय और डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा था कि संविधान की उद्देशिका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा है जिसे नहीं बदला जाएगा, पर संविधान की आत्मा इमरजेंसी में बदली गई थी। तो जिन्होंने संविधान की आत्मा कुचल दी थी, सेकुलर सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था, संविधान की आत्मा बदली गई थी, वो आके संविधान की दुहाई देते हैं। यही तो कयामत है। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।